हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लीन एंड स्टेरिलाइज दैट बॉटल। ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बेबीज़ को बॉटल के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हो, क्योंकि बॉटल अगर क्लीन नहीं होगी तो बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बॉटल क्लीनिंग के लिए आपको प्रॉपर ब्रश की ज़रूरत है और क्लीनिंग लिक्विड की ज़रूरत है। अगर आप बॉटल वॉश के लिए आप विम लिक्विड या कोई बार का यूज़ करते हो तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि अगर वो बार का कोई भी पार्टीशन उस बॉटल में रह गया तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उससे अच्छा आप बॉटल लिक्विड का यूज़ कीजिए जो एक्चुअल बेबीज़ के लिए सेफ रहता है। सो अभी हम देखेंगे कि बॉटल को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं ये दोनों चीज़ों का यूज़ करके। सबसे पहले आप आपके हाथ वॉश कर लीजिए अच्छे से, एंड एक बाउल में आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड कीजिए एंड लिक्विड को चम्मच की हेल्प से आप प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए। आप जो भी बॉटल यूज़ करते हो वो बीपी फ्री होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। एंड बॉटल को आप जब भी वॉश करते हो तो सारे पार्ट्स को वॉश कीजिए। यहाँ पे अगर आप निप्पल का भी निप्पल वॉश के लिए देखोगे तो प्रॉपरली ब्रश है निप्पल वॉश के लिए भी, जिससे अगर आप गाय का दूध भी देते हो बच्चों को तो उसमें थोड़ा सा ऑयलीनेस आ जाता है, तो वो ऑयलीनेस प्रॉपरली निकलता नहीं है। तो अगर आप ब्रश के थ्रू करते हो और ये लिक्विड के थ्रू करते हो तो वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है। एंड यहाँ पर ब्रश का प्रॉपर सेट आता है तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे आप प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो, निप्पल के साइड्स को क्लीन कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे आपका जो बॉटल का चक्कर रहता है उसको आप प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो ये ब्रश के हेल्प से। एंड नॉर्मल बॉटल्स भी आपका जो आपके पास जो भी नॉर्मल बॉटल्स है उसको भी आप ये ब्रश के थ्रू क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वो क्लीन होता है। यहाँ पे बॉटल क्लीन के लिए भी प्रॉपर एक ब्रश है जो एक स्पंजी ब्रश है। इसमें दो चीज़ें रहती है, एक स्पंजी रहता है एक नॉर्मल ब्रश रहता है। बट स्पंजी ब्रश आप यूज़ करो, उससे बॉटल क्लीन होता है। जब हम गाय का दूध देते हैं तो बहुत चिकनाई आ जाती है बॉटल में, उसके पार्टीशन रहते हैं एंड बहुत ऑयली हो जाती है बॉटल। तो उसमें आप स्पंजी ब्रश का यूज़ करते हो तो क्लीनिंग तो अच्छे से होता ही है एंड नीचे तक बॉटल के नीचे तक डाउन तक जाता है, लास्ट का एरिया भी क्लीन करता है। नेक्स्ट स्टेप है, आपको बॉटल को प्रॉपरली वॉश करना है नॉर्मल पानी से। इसके अलावा और एक ब्रश है जो जैसे हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉ क्लीनिंग के लिए भी ब्रश की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टीशन रह ही जाते हैं। तो उसके लिए ये ब्रश बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे डीप क्लीन होता है। आफ्टर बॉटल वॉश आपको स्टेरिलाइज करना है बॉटल को प्रॉपरली, तो उसके लिए आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, एक मशीन का यूज़ कर सकते हो, एक नॉर्मल वे से गैस पे आप कर सकते हो। तो मैं गैस का यूज़ करती हूँ, मैं दो बार स्टेरिलाइज करती हूँ बॉटल को दिन में। तो यहाँ पे बॉटल स्टेरिलाइज करने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसको उबालना है प्रॉपर एक हीट पे आने के बाद। उबलने के बाद गैस बंद करके बॉटल को 5 to 7 मिनट्स वो पानी में रख देना है। जितने भी बॉटल्स के जो भी आपके पार्ट्स रहते हैं वो सारे पार्ट्स को आपको पानी में रखना है। आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आप बॉटल को बाहर निकालिए पानी से और उसको एक प्लेट में सूखने के लिए रख दीजिए। एंड बॉटल सूखने के बाद उसको आप प्रॉपरली बंद करके रख सकते हो और जब भी आपको यूज़ करना है आप बॉटल का यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, मुझे अभी भी कोई भी इश्यूज़ नहीं आए हैं इसमें। एंड लिक्विड के लिए भी मुझे कोई इशू नहीं आया, मैंने बहुत सारे लिक्विड्स को ट्राई किया बट मुझे यही लिक्विड अच्छा लगा। ये आप पे आपको यूज़ करना है ये नहीं है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।